नमस्कार किसान साथियों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल विजू बाबा इन्फोटेक पर। किसान भाइयों, इंदौर मंडी से फाइनली रिपोर्ट हमारे बीच में आ चुकी है और वहां पर जो है प्याज की नीलामी शुरू हो चुकी है। तो देख लेते हैं अभी तक कहां तक बोली लग चुकी है और क्या रही आज की प्याज की पोजीशन। उसके पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए देख लेते हैं इंदौर मंडी में प्याज की क्या रही पोजीशन। तो दोस्तों फाइनली अगर हम बात करें तो आज हमें यहाँ पर मंदी देखने को मिली है। वो मंदी हम मान सकते हैं करीबन 500-600 रुपए की। दोस्तों बहुत ही यहाँ पर एक चिंताजनक ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही मेरे को रिपोर्ट मिली है तो मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ कि अभी तक जो है सुपर क्वालिटी जो माल है यह 1500 से लगा करके 2400 तक बिका है। 2400 के ऊपर यहाँ पर इंदौर मंडी में अभी बोली नहीं गई है। वहीं गोल्टी माल की अगर हम बात करें तो 15 रुपये से लगा करके 18 के बीच में यहाँ गोल्टी माल देखा गया है। एकदम से भाव अगर टूटे हैं तो गोल्टी माल पर यहाँ पर ज़्यादा इफेक्ट हमें देखने को मिला है। दोस्तों काफ़ी नरमी हमें गोल्टी माल में देखने को मिली है। वहीं दोस्तों हल्के माल की अगर हम बात करें तो वह 500 रुपये से लगा के 900 रुपये के बीच में यहाँ पर अभी बिक रहे हैं। किसान भाइयों, यदि हम इंदौर मंडी के आवके की अगर हम बात करें तो बम्पर आवके यहाँ पर रही है 1,10,000 कट्टों के आसपास यहाँ पर आवके अभी देखी गई है। किसान भाइयों, जैसा कि मैंने वीडियो में आपको बताया था कि हमें अभी प्याज को रोक के रखना है, लेकिन बहुत से किसान भाई मंडी में पहुंच चुके हैं और अपना जो प्याज है बेचने की मतलब एक उत्सुकता उनमें देखने को यहाँ मिल रही है। तो किसान भाइयों, कुल मिला के घाटा हमको ही है। जितना ज़्यादा हम वहाँ पर भीड़ रखेंगे उतनी ज़्यादा जो है प्याज के दामों में गिरावट आने वाली है। किसान भाइयों, मैं बहुत जल्द बदनावर मंडी की रिपोर्ट आपके बीच में लाने वाला हूं, तो आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। आज के इस वीडियो में बस इतना सही। मिलते हैं अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।